देखिए, एमबीए में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है जीएसेप्शन। ठीक है, टोटल 30 से 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं और जो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो इसी सेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है सुबह वाली क्लासेस में कि आपको क्या टारगेट करना है इस 30 में से। जैसे एयू में तो 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बीएचयू में 30 क्वेश्चन पूछे जाने। ठीक है, तो अगर आप जो है इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, इसमें आप नियर अराउंड 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 15 कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होना चाहिए और कुछ बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको जीएस पे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे और जिन्होंने बीकॉम, जिनका ग्रेजुएशन बीकॉम से है, ठीक है, तो ये जानते होंगे। तो जीएस में इकोनॉमिक सेक्शन हम देखेंगे और अदर सब्जेक्ट के लिए टीचर है। ठीक है, तो एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, जैसे कि एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई आपकी फर्म है या कंपनी है। ठीक है, किसी चीज में आप डील कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि पेन बनाते हैं। ठीक है, जीके में केवल इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो है ये अदर टीचर आईयूसी में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए कोई फर्म है या कोई कंपनी है, ठीक है, केवल आप पेन बना रहे हैं और कोई यार दूसरा कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, आप अकेले हैं, तो इस टाइप के मार्केट को क्या कहेंगे, इसके बारे में पढ़ना है हमें। या सपोज कीजिए कि आप पेन बना रहे हैं और इसमें ठीक है केवल 5 से 6 कंपनी है, तो इस टाइप के मार्केट को क्या कहेंगे। या पेन ही बना रहे हैं और इसमें नियर अराउंड 15 से 20 बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इस टाइप के मार्केट को आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, केवल आप बेसिक केवल क्लास कर लीजिए, यहीं से सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। जैसे अभी हमने पहला एग्जांपल दिया हुआ था, ये सारी चीजें क्लास कर लीजिए और जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, देखते हैं किसके सबसे ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, 9 PM तक आज की दोनों रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो एकदम अच्छे से देखिए, 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे और जो पढ़ा रहे हैं सब इसी से रहेगा। तो तुरंत देखिए, देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और वो पेन बना रही है, कोई कंपटीटर नहीं है आपका। ठीक है, तो इस टाइप के मार्केट को कहते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको सीखनी है, क्या क्या आपको समझना है ये देखिए। किसी भी मार्केट में आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ सेलर कितने होते हैं। ठीक है, जो बेसिस बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, नंबर ऑफ बायर कितने होंगे। ठीक है, और प्राइस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन जाननी है, प्रॉफिट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट उनका कैसा है। ठीक है, मार्केट नॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन, और एक है सेलिंग कॉस्ट जो है वहां पे आती है कि नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोपोली लेते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि मोनोपोली में नंबर ऑफ सेलर कितने होंगे, मोनोपोली मार्केट में नंबर ऑफ सेलर कितने होंगे। ठीक है, अभी हमने वन ठीक वन है, अभी हमने तुरंत आपको यहाँ बताया। ठीक है, हमने कहा ना जो हम पढ़ाएंगे वही से पूछेंगे और 15 MCQ भी आपका वेट कर रहा है हाफ एन आवर बाद। तो अगर आप कोई कंपनी है केवल पेन बना रहा है और कोई कंपटीटर नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप बेचने वाले हैं, इसका मतलब सिंगल सेलर, और जब सिंगल सेलर होता है तो इसे वो क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। तो मोनोपोली मार्केट में ठीक है सेलर कितने होंगे, सेलर जो है ये सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, सिर्फ वन सेलर रहेगा, लेकिन बायर कितने रहेंगे। देखिए पेन तो सभी को चाहिए, तो बायर कितने रहेंगे, अनलिमिटेड सर, अनलिमिटेड कहिए या लार्ज नंबर ऑफ बायर कहिए। लार्ज ठीक है, नंबर ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्राइस मेकर होता है कि टेकर होता है। देखिए जिनकी जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, और ये सारी चीजें आ जाएं, इसको आप नहीं रख पाएंगे। हिस्ट्री में तो आप रख सही लेंगे, ठीक है,
ठीक है, ज्योग्राफी में आप रट लेंगे कि हाँ इतने डैम है, कौन सी चीजें कहाँ लोकेटेड है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है, ठीक है, आपको सारे मटेरियल भी दे दे तो आप नहीं रट पाएंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया कि मोनोपोली मार्केट जो है प्राइस मेकर होता है, ठीक है, आपको आपने रट लिया, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा कि ये प्राइस मेकर का क्या मतलब था। ठीक है, अभी फिर दूसरा मार्केट लिखेंगे, उसको हम कहेंगे ये प्राइस टेकर है, तो रट तो लेंगे लेकिन ये फिर भूल भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ये बताइए कि बेचने वाले सिर्फ आप हैं, सिंगल सेलर सिर्फ आप हैं, तो जब आप हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है, तो कुछ भी प्राइस रखी जा सकती है। ठीक है, जैसे जियो है, ठीक है, एक टाइम आएगा केवल वही रहेगा, तो जो अभी 499 का पैक है, 699 का है, महीने का 179 का है, वो कभी 399 का कर देगा। तो ये जो मोनोपोली मार्केट होता है ना, ये प्राइस मेकर होता है, ये आपसे कुछ भी चार्ज कर सकते हैं और आपको देना पड़ेगा, रीजन कोई है ही नहीं कंप्यूटर। प्रॉफिट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रॉफिट यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट होगा कि अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देखिए, जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो आपको, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल। बहुत ज्यादा लॉस हो जाए आपको, तो एबनॉर्मल लॉस कहते हैं इसको। तो आप ये बताइए कि बहुत कंप्यूटर कोई है ही नहीं, सब पेन आपकी बिकेगी, तो प्रॉफिट क्या होगा? एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट इसमें होमोजीनियस होता है कि ठीक है डिफरेंशिएटेड होता है। देखिए होमोजीनियस का मतलब ये है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, एकदम हर चीज जो है ये बना रहे हैं, और कोई प्रोडक्ट है तो आप उसमें डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे, ये होमोजीनियस है। तो जब यही अकेले कंपनी है, कोई और कंपनी नहीं है, जो प्रोडक्ट रहेगा वो होमोजीनियस रहेगा। फिर एक इंफॉर्मेशन आती है, मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी कंज्यूमर है उसको क्या मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए किसी भी मार्केट में एक एक्सेप्शन है, पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को नहीं रहती। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज्यादा जानता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें नहीं जानता। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि हमें इकोनॉमिक्स आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती, तो मार्केट इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट रहती, ये पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब बात आती है सेलिंग कॉस्ट। देखिए सेलिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है, आप हमें अभी ये बताइए, एक आइडिया लगा के, क्या मोनोपोली मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की जरूरत है कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है? नो सर, नो सर, नहीं। क्यों नहीं आएगी? अकेले सर हमें एडवर्टाइज करने की जरूरत है। ठीक है, कोई मतलब क्योंकि सर लेस कंपटीशन है वहां पे। ठीक है, लेस कंपटीशन की बात ही नहीं, कोई है ही नहीं, जीरो कंपटीशन है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हमें बता दीजिए कि जहां पे मोनोपोली मार्केट हो। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज। इंडियन रेलवे, ठीक है, और सब मिलिट्री के टैंक्स लाइन। ठीक है, देखिए एक सर एरोप्लेन मेकिंग में। ठीक है, उसमें उसमें भी शायद एक ही है ना कंपनी? ये सर एरोप्लेन में भी एक ही है। देखिए अगर हम कहें, एक एग्जांपल हम आपको बस ऐसे समझाने के लिए दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए एक डिफरेंट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, गूगल का सर्च इंजन सर पेटेंट पेस्ट कंपनी। ठीक है, देखिए आपको आंसर दे के आप जो है म्यूट कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे रिकॉर्डिंग इफेक्ट नहीं होगी। जैसे देखिए गूगल के सर्च इंजन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसमें देखिए गूगल की मोनोपोली है, लेकिन उसके बाद भी अदर कंपटीटर है। आपको मालूम होगा दो तीन और भी कंपटीटर है। ठीक है, जैसे याहू भी एक सर्च इंजन है, बाकी दो तीन और भी हैं। तो देखिए 99.9% जो है, 99% जो है, ये मार्केट गूगल का है। आपको कुछ भी सर्च करना होगा तो गूगल सर्च इंजन ही आप करेंगे, लेकिन इसका कंपटीटर है याहू। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मोनोपोली मार्केट है, लेकिन एग्जैक्ट मोनोपोली मार्केट नहीं है। मोनोपोली मतलब सिंगल ही होना चाहिए। तो ये देखिए एक एग्जांपल बस आप याद रखिए, मोनोपोली में क्या एग्जांपल है? इंडियन रेलवे। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए भारत सरकार के अलावा कोई और ट्रेन चलाई, ठीक है, तो इंडियन रेलवे की क्या है? मोनोपोली। ठीक है, अब जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा, ठीक है, तब कंप्यूटर आएंगे इसमें। तो अगर मोनोपोली मार्केट्स के बारे में आपको कहा जाए, तो सिर्फ एक चीज याद रखिए कि सिंगल सेलर है, और एक एग्जांपल याद रखिए, ये सारी चीजें आप बता ले जाएंगे। आप ये बताइए कि अगर सिंगल सेलर है,
बायर तो जानते ही आपकी तो लार्ज नंबर रहेंगे ही रहेंगे, और सिंगल सेलर है, कोई कंपटीटर नहीं है तो वो कुछ भी प्राइस रख सकता है, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, अकेले है सारा प्रॉफिट उसी को जाएगा, तो एब नॉर्मल कहेंगे आप, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मार्केट इंफॉर्मेशन कहीं नहीं रहती कंप्लीट, ठीक है, कंज्यूमर के पास, और अकेले है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट ये चीजें हैं, ठीक है। एक चीज हमें बताइए कि कुछ अलग से भी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि गूगल की जो है सर्च इंजन में मोनोपोली है, ठीक है, और है भी, ठीक है, 99.99 का मतलब जो है एक तरीके का 100% है, ठीक है। उसके बाद भी जो है आप देखते होंगे कि गूगल का ऐड आ रहा है इस समय, बहुत पहले से आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है, ठीक है। ऐड क्या है, बोलने से सब होगा, तो ये बताइए जब इनकी मोनोपोली है तो ये फिर ये ऐड क्यों कर रहे हैं सर? वो ऐड गूगल असिस्टेंट का है, लाइक मतलब सर्च इंजन वो मार्केट को पीपल को रिझाने के लिए, क्योंकि ऐसा सीरी, अमेज़न, एलेक्सा, कई सारे कंपटीटर आ गए हैं इनके, कि बोलने से सब कुछ होगा उनके पे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले मोनोपोली थी और मार्केट को अपने और इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जैसे बोलने से सब होगा, तो देखिए क्या होगा, कंज्यूमर अब जानता है कि हम बोले, और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है अब उसको भी अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करानी है, ठीक है, गूगल पे ऐड देना है, अब दोनों मार्केट को जो है वर्कआउट कर रहा है, और अदर कंपटीटर भी अब इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। देखिए मोनोपोली मार्केट आपको क्लियर हुई है, अब एक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है इसको समझिए, केवल एक एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है, सारी चीजें आप खुद बता लेंगे, अब कुछ याद वर्क करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देखिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब ये है कि जहां बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारी कंपनियां, जैसे आप शैम्पू की कंपनियां देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां, पेन में देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां, जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर है वो मोनोपोलिस्टिक है, बायर तो आप जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे। अब आप ये बताइए कि मोनोपोलिस्टिक क्या है, प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर है? प्राइस मेकर है, ठीक है, देखिए टेकर है, प्राइस टेकर है, अच्छा, प्राइस टेकर कैसे है सर? बिकॉज उसके ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट्स व्हाई ही कांट मेक मनी, ही कैन टेक मनी। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो इसलिए वो प्राइस पैसे नहीं ले सकता, लेकिन आप देख लीजिए जितनी भी कंपनियां हैं वो तो लेती हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट से। देखिए जो मोनोपोलिस्टिक कंपनियां होती हैं, ठीक है, मार्केट होता है, इसमें जितने भी फॉर्म होते हैं, इनके प्रोडक्ट जो है, ठीक है, होमोजीनियस भी है, इनके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड भी, ठीक है, इनके सारे प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएशन है। अगर इनके प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएशन है तो प्राइस भी अलग चार्ज करते हैं, ठीक है, जैसे किसी का, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, किसी की क्वालिटी कम है, तो जब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होगा तो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हेड एंड शोल्डर हो गया, जब सारी कंपनियों की शैम्पू जो है 1 रुपीज में आते थे तो हेड एंड शोल्डर ने कभी 1 रुपये में नहीं दिया, ठीक है, वो 1.5 में देता, ठीक है। तो जब थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा तो प्राइस अलग चार्ज करेंगे, ठीक है, तो ये भी प्राइस। सर आई थिंक वो उनके ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता होगा, ठीक है, ब्रांड वैल्यू भी है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है। जैसे पूछ लीजिए कोई अलग हट के दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इलाहाबाद में हो या अपने शहर में हो, ठीक है, हर शहर में कुछ मिठाई की दुकान होती है, ठीक है, अगर कोई मिठाई है एक जगह 200 पर केजी है, वही मिठाई सेम टू सेम दूसरी जगह 600 पर केजी है, ऐसा क्यों? सेम है लेकिन वो जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ी क्वालिटी है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो, प्राइस मेकर है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कुछ लोग इलाहाबाद से हैं तो आप जानते हैं 50-100 मिठाई की दुकान है, हर गली में मिठाई की दुकान है, ठीक है, लेकिन यहाँ कामधेनु और सैनिक स्वीट्स फेमस है, उसके चार्ज अलग होते हैं, ठीक है, वो जो प्राइस देख कहेगा आप जाके लेते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक जो है डिफरेंशिएशन होने की वजह से अपने प्रोडक्ट में वो प्राइस लेते हैं। प्रॉफिट नॉर्मल होगा कि अब नॉर्मल होगा सर? नॉर्मल होगा, नॉर्मल नॉर्मल इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां, अगर बहुत सारी कंपनियां रहेंगी तो फिर सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो नॉर्मल ही रहेगा। मार्केट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी इनकम्प्लीट,
ठीक है, कंज्यूमर को कभी भी मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है, ठीक है, ये चीज है। और सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने सारे सेलर हैं, ठीक है, और आपको भी अपनी दुकान चलानी है, ऐड करना पड़ेगा, नहीं ऐड करेंगे दिक्कत आ जाएगी। तो मोनोपोली आपने समझ लिया, मोनोपोलिस्टिक आपने समझ लिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पेज पे, सर मोनोपोलिस्टिक क्लियर नहीं हुआ कि टेकर है कि मेकर है। मेकर है, ये मेकर क्यों है? मेकर इसलिए है क्योंकि वो प्रोडक्ट में क्या है, उनके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, उनके प्रोडक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो जो प्राइस चाहेंगे वो लेंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको एक सर, लेकिन सर फिर भी एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं बना रहे ना सर? एबनॉर्मल हमने कहा नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन सर जैसे कि अगर प्राइस मेकर है तो सर ज्यादा बढ़ा के अब नॉर्मल भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। रीजन ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल दीजिए, आप इलाहाबाद के हैं और सैनिक स्वीट्स है, क्या ये कभी इंडिया लेवल पे काम कर पाएंगे? नो सर। ठीक है, नो सर। कोई भी आपके मोहल्ले में रेस्टोरेंट हो या मिठाई दुकान हो जो बहुत फेमस हो, ठीक है, ये केवल लोकल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। बाहर लेवल पे काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां फिर उनको कंपटीटर मिलेगा, ठीक है। बाहर के लिए आपको फिर मैकडॉनल्ड जैसे आपको क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप ठीक है कितनी भी आप क्वालिटी बढ़ा देंगे, ठीक है, आपका प्रॉफिट जो है जब तक आप एक यूनिकनेस नहीं क्रिएट कर देंगे, मोनोपोली की तरफ आप जब तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे बर्गर में मोनोपोली है, ठीक है, मैकडॉनल्ड की, ठीक है, अच्छी अर्निंग है उसकी, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड है, ठीक है, तो वहां पे वो बर्गर में मोनोपोली है उसकी, ठीक है, ये चीजें। देखिए मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, यह है ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है लेकिन एक अच्छी पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है। देखिए ओलिगोपोली मार्केट का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल समझिए, जहां पे फ्यू सेलर, ठीक है, मोनोपोली में एक सेलर था, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे। ओलिगोपोली में क्या है कि कुछ ही सेलर है, एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड भी कही है, तो इसमें जो है बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, प्रिम हो गया, ठीक है, अल्ट्राटेक हो गया, बहुत होगा 5-6 होंगे, ठीक है, और बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, वो कंबाइन होके ACC बन गई, ठीक है, तो बहुत ही कम कंपनी है। तो जब नंबर ऑफ सेलर क्या होंगे, फ्यू होंगे, बायर तो लार्ज होने ही होने, ठीक है, ये प्राइस मेकर होंगे कि टेकर होंगे, सिंपल सी बात है, मेकर होंगे सर, प्राइस मेकर होंगे, मेकर होंगे। प्रॉफिट क्या होगा सर? प्रॉफिट लार्ज होगा, एबनॉर्मल होगा, ठीक है, एबनॉर्मल रहेगा या स्लाइटली जो है मोर कभी कभी लिख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए सेलर बहुत कम है और बायर बहुत ज्यादा है, जब 5-6 कंपनियों में भी वो जब सारे पैसे जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये एबनॉर्मली कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है इनका, ठीक है, प्रोडक्ट इनका देखिए होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, लेकिन रहता डिफरेंशिएटेड है। अगर ओलिगोपोली, ये देखिए ऑडियो किसी को ऑन है, ठीक है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, नहीं तो जो है रिकॉर्डिंग फिर अफेक्ट होगी, ठीक है, चलिए। देखिए प्रोडक्ट इनका डिफरेंशिएटेड ही रहता है, लेकिन अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट हो जाए तो इस ओलिगोपोली का दूसरा नाम हो जाता है और उसको कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि सारे सेलर जो है डिसाइड कर लें कि हम सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, हालांकि सेम प्रोडक्ट बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की वजह से ही तो सारी चीजें बिक रही हैं, ठीक है, और सेम होमोजीनियस कैसे होगा? सपोज कीजिए कि महिंद्रा की है और एक टाटा है, दोनों के मॉडल सेम कैसे हो सकते हैं? होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है, आप डिफरेंशिएट ना कर पाए किसी भी एंगल से, तो हम उनके मॉडल को कॉपी कैसे कर सकते हैं? इंटीरियर मान लीजिए सब कुछ कॉपी कर लिया, मॉडल कॉपी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें कॉपी नहीं कर सकते, डिजाइन कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस बना दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है परफेक्ट ओलिगोपोली, अदरवाइज इनके प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट ही रहते हैं, ठीक है।
अब देखिए मार्केट इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी इनकम्प्लीट है हर जगह, क्योंकि कंज्यूमर को पूरी नॉलेज नहीं रहती। सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं आप बताइए? करता है सर, करता है। देखिए जहां पे भी एक से ज्यादा सेलर होगा ठीक है उसको ऐड करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि सबकी सबका टारगेट होता है कि हम मोनोपोली की तरफ बढ़े ठीक है, कोई भी फॉर्म हो ठीक है, उनका टारगेट यह रहता है कि अधिक से अधिक मार्केट हमारे पास आए और हम मोनोपोली की तरफ बढ़े ठीक है। तो जहां दो से तीन चार सेलर है ऐड करना पड़ेगा ठीक है, तो एग्जिस्ट करता ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ठीक है, देखिए ये मार्केट जो है एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? ये कहते हैं कि सेलर जो है ये लार्ज हैं ठीक है, बायर जो है ये भी लार्ज हैं ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है ये होमोजीनियस होगा ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि बहुत सारे सेलर हैं ठीक है, बहुत सारे सेलर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है ठीक है, सबके पास प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, एकदम सेम टू सेम, तो ऐसा पहली बात पॉसिबल है नहीं। और सेम अगर रहेगा तो हो सकता है कि हम वो चीज यहाँ से जाके खरीद लें, यहाँ से खरीद लें, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं ठीक है। तो ये जो है जब हर जगह सब कुछ सेम रहेगा तब जो है वो प्राइस टेकर के सिचुएशन में आ जाते हैं ठीक है, जो पब्लिक प्राइस देती है उस सिचुएशन में आ जाते हैं ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हालांकि वो परफेक्ट कंपटीशन है नहीं लेकिन उसको आप एक क्लू सब्स्टिट्यूट की तरह ले सकते हैं ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि वेजिटेबल हो गया ठीक है या फ्रूट हो गया, होता क्या है कि हर जगह सेम फ्रूट दिख रहा है या हर जगह सेम वेजिटेबल दिख रहा है। अब देखिए पब्लिक उनको फोर्स करती है ठीक है कि तुम ऐसा इतने में दोगे नहीं, फिर अगले के पास जाते हैं, फिर अगले के पास जाते हैं, फिर अगले के पास जाते हैं और एकदम कम करा देते हैं, क्योंकि सबके पास प्रोडक्ट बिल्कुल क्या ऐसे है और जिनके पास थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है उनकी प्राइस भी अलग होती है। तो इसमें आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा क्योंकि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ठीक है। तो अगर सबके पास प्रोडक्ट अगर एकदम सेम होने लगे ठीक है तो कोई कहीं से जाके खरीद सकता है ठीक है, तो फिर ये सेलर पे बर्डन आ जाएगा और उस सिचुएशन में ये प्राइस टेकर होने लगेंगे। प्रॉफिट नॉर्मल है, तो बहुत सारे सेलर हैं तो सिंपल सी बात है नॉर्मल है। प्रोडक्ट ये कह रहे हैं होमोजीनियस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है मार्केट इंफॉर्मेशन में, यहाँ ये कहते हैं कि पब्लिक को कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? यहाँ कहा जा रहा है ना कि हर जगह प्रोडक्ट होमोजीनियस दिख रहे हैं ठीक है, पब्लिक को मालूम है कि हर जगह सेम दिख रहा है, वो कहीं से खरीद सकते हैं, तो पब्लिक को ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये इसलिए ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसीलिए आपको ये फील नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा। और जब हर जगह सेम है तो आप ये बताइए सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? एग्जिस्ट करेगा सर, करेगा नहीं? करेगा नहीं करेगा ठीक है। और लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं करेगा सर। ठीक है, जब हर जगह प्रोडक्ट सेम है, सपोज कीजिए हमने ऐड करा दिया ठीक है, अब लोग हमारे आने की बजाय हमारे पास आने की जगह कहीं और चले गए। क्यों? क्योंकि जो हम बेच रहे हैं वही अगला भी बेच रहा है, ऐड हम कराए बिका उसका, फिर मतलब क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है। तो ये जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है ठीक है, इसलिए इसको साइड रख दो। अब एक और है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। एक है मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट क्या होता है? ठीक है, देखिए मोनोपोली मार्केट क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, देखिए मोनोपोली मार्केट कहते हैं मतलब, इसमें जो है सेलर लार्ज है लेकिन बायर सिर्फ सिंगल है। ऐसा कोई एग्जांपल आप बताइए कि जहां सेलर बहुत सारे हैं लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक है।
सर डायमंड डायमंड तो बहुत सारे खरीदने वाले हैं। क्रॉप्स क्या कह रही हैं सर? फसल क्यों, ये तो बहुत सारे खरीदने वाले, बायर को एक ही है सर, गवर्नमेंट ही तो खरीदती है। फसल तो जितने भी ट्रेडर हैं वो भी तो खरीदेंगे सर। स्क्रैप मार्केट, मेडिसिन सर, मेडिसिन मेडिसिन में भी बहुत सारे बाहर की एजेंसियां हैं सर। सर जिसे जरूरत होती वही तो, जिसको सिर्फ इंडियन सोल्जर्स खरीद सकते, इंडियन आर्मी खरीद सकते। देखिए बताते हैं आपको इसका एग्जांपल, सर इंडियन आर्मी, ठीक है देखिए सिंगल इंडियन आर्मी, हाँ ठीक ठीक आप पहुंच चुके हैं क्लोज तक। देखिए सिंगल बायर है अगर, तो समझ लिए कि कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें खरीदने वाला सिर्फ एक हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो समझ लीजिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो फिर वो कौन कर सकता है रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के अलावा कोई और कर नहीं सकता, और यही बायर है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बता दें, एक सॉफ्टवेयर था पेगासस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपने सुना होगा, इजराइल का ये सॉफ्टवेयर है, और सुना है कि नहीं आप लोगों ने इसके बारे में? यस सर सुना है सर। ये केवल गवर्नमेंट खरीद सकती है, ठीक है। इसका क्या यूज है इस सॉफ्टवेयर का आप जानते होंगे, ये केवल, ठीक है, ये केवल जो है गवर्नमेंट खरीद सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और नहीं खरीद सकता। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं लेकिन आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, बाद में वो अलग बात है कि जो कंपनियां हैं अपनी पॉलिसी चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि इसके जो है कि कोई प्राइवेट सेक्टर ही क्या किया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, सपोज कि अंबानी साहब ने खरीद लिया, ठीक है, और लगा दिया किसी जिसकी सरकार है उसी पे लगा दिया, ठीक है, और फिर उसी को ब्लैकमेल करके फिर पॉलिसी अपने अपने हिसाब से करा ली। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को ये नहीं दिया जा सकता, सिर्फ सिंगल सेलर है और वो कौन है, वो गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये बताइए सिंपल सी बात है, प्राइस मेकर है, इतना पैसा वो चार्ज करेगी देना पड़ेगा, अकेले है, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉफिट है नॉर्मली, इसलिए भले सेलर लार्ज है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉस्ट होती है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन फिर यहाँ पे भी इनकम्प्लीट होगी, और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट होता नहीं, ठीक है, क्योंकि सिंगल बायर है जिसको खरीदना है उसको मालूम है, ठीक है, ये चीज है। अब आपको जो है हम कुछ पीडीएफ शेयर करते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए, एक पीडीएफ आपके स्क्रीन पे आ रही है। यस सर, ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें देखिए हमने मैक्सिमम चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है, एक दो चीजें और आपको इसमें बता देते हैं, ठीक है, देखिए टोटल ये हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, और सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें छुटा हुआ है, नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। देखिए मोनोपोली मार्केट में आप जानते हैं कि हम एंट्री नहीं कर सकते, क्यों, इतना ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी तो हम आई नहीं सकते, तो क्लोज्ड एंट्री होती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आप देख लीजिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं तो फ्री है, कोई आ सकता है। ओलिगोपोली मार्केट में भी कुछ ही सेलर है, ठीक है, कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो क्लोज्ड एंट्री है इसमें, ठीक है। मोनोपसी में, ठीक है, देखिए इतना यूनिक सॉफ्टवेयर बनाना होगा, कौन बनाएगा, ठीक है, इसमें भी क्लोज एंट्री है, एक ही जगह फ्री एंट्री है, ठीक है, एक मोनोपोलिस्टिक में है और एक परफेक्ट में है, और इसमें दो तीन चीजें और भी हैं इसमें, ठीक है, जैसे डिमांड कर्व के बारे में, तो जब हम एक बार डिमांड चैप्टर बता देंगे, और एक और है रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें, जब उसको बता देंगे तो फिर इसमें एक दो पॉइंट छूटा हुआ है उसको क्लियर कर देंगे। अब हम आते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे, अब दो मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से 15 क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ठीक है, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड अंडर परफेक्ट कंप्लीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ऑल द अबव, ठीक है, आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, ठीक है, जल्दी से मार्क करिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, हो गया होगा, एक तरफ कॉपी पे लिख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिए। सेलिंग कॉस्ट इज इनसिग्निफिकेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ऑल द अबव, ये भी हो गया होगा, फिर थर्ड का आंसर करिए, एक कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर आप देखिएगा 15 में से कितने सही हुए आपके,
चलिए थर्ड भी हो गया होगा। फोर्थ देखिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट आर सिमिलर क्वाइट अलाइक क्लोज सब्स्टिट्यूट नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, मोनोपोली मीन्स सिंगल फॉर्म बैरियर टू एंट्री नो प्लस नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑल द अबव। फिर सिक्स क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ करिए, एट्थ क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नाइन्थ देखिए, टेन, ये तो अभी बताए हैं, इलेवन ये भी क्लास में करा दिए हैं, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, चलिए अभी के आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन था, लिखा था कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड अंडर, आप जानते हैं कि क्लोज एंट्री कहाँ पे होती है, तो मोनोपोली मार्केट में होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलिंग कॉस्ट इज इनसिग्निफिकेंट अंडर, सेलिंग कॉस्ट का मतलब हमने आपको बता दिया था एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो कहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मोनोपोली मार्केट में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप चेक करिएगा कि फ्यू फर्म एग्जिस्ट अंडर, तो कुछ फॉर्म कहाँ पे होते हैं, तो ओलिगोपोली मार्केट में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट आर, देखिए होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हर जगह सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम सब कुछ सेम है, ठीक है, तो क्लोज नहीं होगा, एकदम सेम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोपोली मीन्स सिंगल फॉर्म, ये भी ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, एक ही कंपनी बना रही है, ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री कोई आ भी नहीं सकता, ठीक है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो ऑल द अबव आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि परफेक्ट ओलिगोपोली के बारे में बताया था कि ओलिगोपोली जो मार्केट होती है, ठीक है, इसमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाने लगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया, तो ये परफेक्ट ओलिगोपोली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन में भी तो बोले थे कि होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, हाँ उसमें भी है, ऑप्शन है क्या इसमें, तो सर ए एंड बी, हाँ ये ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा ना सर, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये परफेक्ट ओलिगोपोली भी था और परफेक्ट कंपटीशन भी है, ठीक है, तो चलिए एक एरर हो गया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये चीज है, चलिए तो ये सी होगा आपका। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखिए अलग अलग प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक में होते हैं, ठीक है, ओलिगोपोली में भी होते हैं, अब देखिए बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ना है नहीं तो फिर एरर हो जाएगा, तो सी सही है। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो यहाँ पे तो लिखा है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे भी आप ये बताइए, लिखा है कि टोटल रेवेन्यू सपोज कीजिए 100 रुपीज की और हमारी कॉस्टिंग भी लग रही है 100 की, तो यहाँ पे भी एक तरीके का नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ये भी सही है। अभी बताइए एवरेज रेवेन्यू, एक दिन पढ़ाएंगे ये सब, ठीक है, सपोज ये किसी प्रोडक्ट को बेचने से, ठीक है, 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे रेवेन्यू 10 रुपए की हो रही है और उसकी एवरेज कॉस्ट भी 10 रुपये आ रही है, तो अगर ये इक्वल है, क्यों इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो जब सब इक्वल हो, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस केस में आंसर क्या होगा, ऑल द अबव, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोपोली मार्केट क्या है? सिंगल सेलर मार्केट है कि सिंगल बायर मार्केट है? सिंगल सेलर मार्केट है। सिंपल। इन अ मोनोपोली मार्केट देयर इज, यदि हमने अभी कराया है, सिंगल बायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है इसको समझिएगा ठीक है, कि इसका क्या आपने आंसर किया है इसमें से मैक्सिमम लोगों ने? सिंपल मोनोपोली। देखिए एक्चुअली इसका आंसर जो है नेचुरल मोनोपोली है, और ये सब क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, ठीक है बेसिक लेवल ही आएगी। ठीक है देखिए, नेचुरल मोनोपोली का क्या मतलब होता है इसको समझिए। आप जानते हैं कि कोई भी मोनोपोली मार्केट है, ठीक है कैपिटल बहुत ज्यादा लगना है, ऐसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है ये एकदम हाई क्वालिटी का चाहिए होता है, ओरिजिनल चाहिए होता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि सर्च इंजन गूगल ही है, आप देखिए कुछ भी आप सर्च करते हैं तो विद इन सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाता है। रेलवे में भी आप देख लीजिए कि जो भी इसमें आयरन यूज होता है, ठीक है एकदम हाई क्वालिटी का होता है, इसमें 1% 0.001% की भी इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए मोनोपोली मार्केट आप जानते हैं कि ये प्राइस क्या होते हैं, मेकर होते हैं, लेकिन नेचुरल मोनोपोली की एक खासियत ये है, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब कंज्यूमर को जो प्रोटेक्ट करे तो उसकी एक अलग से क्लासिफिकेशन आ जाती है और वो है नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। तो देखिए रेलवे है इंडिया में, अभी कंज्यूमर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है प्राइसेस काफी इसकी कम है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल मोनोपोली। ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इस टाइप की चीजें नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको दिखा देंगे। लिखा है कि सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ, ठीक है तो ये कहाँ पे आती है सेलिंग कॉस्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगी, यहाँ बहुत सारे सेलर हैं। रेफ्रिजरेटर आप जानते हैं बहुत कम कंपनियां हैं रेफ्रिजरेटर में, ठीक है तो बहुत जब कुछ ही सेलर हैं तो ओलिगोपोली होगा, ओलिगोपोली। तब ये काफी सिंपल आंसर है, कौन सा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ परफेक्ट नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, ठीक है आप जानते हैं एग्जिस्ट करता नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फर्म इज लाइकली टू बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर। एक टेलीफोन कंपनी है, ठीक है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट है, इसमें से क्या है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर आपको लग रहा है? रेस्टोरेंट, ठीक है सिंपल सी बात है, मैक्सिमम देखिए ये ऑडियो आप लोग ठीक है म्यूट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट, बहुत सारी टेलीफोन कंपनियां तो होंगी नहीं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आप जानते हैं ओलिगोपोली में आएगा तो ये मोनोपोलिस्टिक में आ नहीं सकता, रेस्टोरेंट ही बहुत ज्यादा होते हैं, सिंपल। तो 15 में से किसके 15 सही हुए, किसी के सही हुए? अच्छा 15 में 14, 14 में नहीं,